मोटर्स, क्योंकि खबर ये आ रही है कि मूडीज ने जो है यहाँ पे अपनी रेटिंग अपग्रेड की है। साथ ही जो आउटलुक है, हालांकि उस जो पॉजिटिव था उसको बरकरार रखा है, पर ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में जिस तरीके से कर्ज कम करने की कंपनी ने टाइमलाइंस दी हैं उस पर उनको भरोसा है, साथ ही मुनाफा इनका इम्प्रूव होते हुए दिख सकता है, इसीलिए मूडीज का जो भरोसा है वो कायम है। और कल ही हमने देखा था कि टाटा मोटर्स की एक कर्व भी लॉन्च हुई थी जिसको लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट है, हमने मैनेजमेंट से चर्चा भी की थी। पर स्टॉक पर एक बार राय लेते हैं, किरण आपसे समझना चाहेंगे, टाटा मोटर्स कैसे देख रहे हैं आप चार्ट्स पे? कल थोड़े से ऑटो रीबाउंड हुए ज़रूर, और टाटा मोटर्स इवेंट भी था उसको लेकर जो है चर्चा में था, बट पॉजिटिव खबर के क्या लगता है आपको, आज किस तरीके की चाल दिखा सकता है ये स्टॉक? सी और अगर टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं 1040 से 1030 उसका क्लस्टर रेजिस्टेंस था। हमने देखा कि ऑलमोस्ट 4 बार वहां पे रेजिस्टेंस लेके स्टॉक नीचे में हायर टॉप बन रहे, हायर बॉटम बन रहे थे इनफैक्ट, और उसी के चलते हुए स्टॉक ने 100 डेज 50 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके ऊपर में ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर में 1200 तक के हाईज बनाए। अब वहां से पिछले 3 दिन में ही हमने देखा कि स्टॉक वापस अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास है। अब जब ये ब्रेकआउट लेवल के आसपास अवेलेबल है तो 20 डेज मूविंग एवरेज को तो तोड़ चुका है, लेकिन 50 एंड 100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर में भी आप देखोगे तो हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है, तो एक रिस्की कॉल या तो एक रिस्की ट्रेड यहाँ बन सकता है। करंट मार्केट के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हो, या तो कोई भी गिरावट आती है 1000 तक तो आप लॉन्ग कीजिए, यानी कि 1000 से 1025 इसका एक्युमुलेशन जोन रहेगा। 1000 के नीचे का आप स्ट्रेट स्टॉप लॉस रखिए, और डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो 3 लगातार बड़े गैप्स है। तो पहला टारगेट हमारा 1080 का रहेगा, जैसे 1080 क्रॉस करेगा 1140 तक की एक रेंज बन सकती है। तो हमें लग रहा है कि ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, एक रिवर्सल ट्रेंड डेफिनेटली लेना चाहिए।